हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जहां में दर्द बोती जा रही है, मोहब्बत सर्द होती जा रही है, हुकूमत दिन ब दिन मेरे मुल्क की बड़ी बेदर्द होती जा रही है। अमरीका ने उठा ली है भारत से न्यूक्लियर पाबंदियां, खित्ते में हो रही है नई सब बंदियां, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, गंदा है पानी पर पी लेंगे हम। पेट्रोल होता जा रहा है सस्ता, महंगा होता जा रहा है, बस्ता सर पर है बच्चों के इम्तिहान, छुपा लो अपना सामान क्योंकि अब तशरीफ लाएंगे। नमाज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आया नू, वेलकम टू मजाक रात जी। आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं हम यहाँ पे। उसके गाने के अल्फाज पे गौर किया आप लोगों? कभी नहीं करते। क्या हुआ? क्या हुआ? सुते हैं पैसे ना जिक्र करन दे ऐसे। हाँ, वो कह रहा था कि पैसे आने दे, दिन बदलने दे। पहले तो ये बताइए कि पैसे आने से दिन कैसे बदल जाते? ओ, पैसे कोल हुण बंदा अपना घर बदल लेंदा जनाब, तुसी गल करन दे। पैसे आने से सबसे पहले बंदे का ज़हन बदलता है। हाँ जी, पैसे आने से बंदे के हालात बदल जाते हैं, बल्कि उसके चेहरे के खदोखाल बदल जाते हैं। ऐसे ना हो तो रिश्तेदारों का पता चल जाता है, आ जाए तो अपना पता चल जाता है। ऐसे ना हो तो भाई ना बंदा कपड़े नहीं बदलता, दिन कितों बदलना है? पैसे आना दिन बदलने, बंदा पैसे गिनना है। यो यो, कल मिले थे ना, आज दिन बदल गया। तो मान नहीं है, पैसे आने से चीजें बदलती हैं, गिर्दो पेश बदलता है। दिन तो दिल बदलने से बदलते हैं। अरे चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के मेहमानों से। हमारे पहले मेहमान पीटीआई से इनका ताल्लुक है, बड़े सरगर्म रुकन है पीटीआई के। बहुत सारी थालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब जी, और उनके साथ जो आज हमारे पास यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं, कराची से स्पेशली हमारी रिक्वेस्ट पे आई हैं, खूबरू अदाकारा हैं, एंड आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर जी, शेयरिंग अ फ्रेम विद हर। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा फैज़ा हसन साहिबा जी। अर्ज किया है, चलो ठीक है। बाहर आओ, फूलों से क्या लड़ाई है? चंगा भला बुजुर्ग आदमी आफर वेखो। बाहर आओ, फूलों से क्या लड़ाई है, हम भी देख लें इसमें क्या बुराई है। शेर दिन दाद नहीं बनती के वाह वाह वाह, ऐसी दाद बनती है शर्म कर, कोई अकल कर। चीमा साहब वेलकम टू मजाक रात। फैज़ा जी आपको भी बहुत बहुत हम वेलकम कहते हैं। कैसे हैं सर आप? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास हैं जी। बिल्कुल तंग ज्यादा तो नहीं कर रहे आपको? पुराने वाकिफ हैं, पुराने वाकिफ हैं। थिएटर करते रहे हैं आप भी? देखते रहे, इस तरह के शो करते हैं। फैज़ा साहब आपका तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा? नहीं, मैंने परफॉर्मेंस देखी हुई है थिएटर में, मुझे बहुत पसंद है। और सबसे खास बात ये होती है कि हम मैं स्क्रिप्ट के बगैर नहीं बोल सकती, बिल्कुल मुझ में ये सलाहियत नहीं है। और यहाँ पर जो फिल्मबदी हो रहा होता है, मैं खासकर उस वजह से पिछले साल गई थी देखने। मैं चीमा साहब, क्या एग्रोनॉमिस्ट क्या होता है जी, थोड़ा सा बताएं। बेसिकली जी मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ और इकोनॉमिस्ट हूँ। अच्छा। सो पाकिस्तान में जो खुराक पैदा करना, ज़राअत को लीड करना, सिखाना लोगों को, सो मैंने यूनिवर्सिटी में टीचिंग की और फिर मल्टीनेशनल में जॉब की और फिर अपना अदारा बना के, सो मैं टीच करता हूँ जी फार्मर्स को। तो सियासत में क्यों आ गए? दुनिया में एक है, मतलब कंसेप्ट है जी कि दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन कौन सा है। कुछ सोशल साइंस के लोग कहते हैं कि मेडिकल टू प्रोवाइड द हेल्थ इज द मोस्ट नोबल जॉब, बट अब इसमें कंसेंसस हो रहा है कि टू प्रोवाइड द फूड इज द मोस्ट नोबल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। आज दुनिया में तकरीबन 1 अरब 10 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो है एशिया में 55 करोड़ लोग। पाकिस्तान दुनिया में आप कह लें कि जो बदतरीन भूख जहाँ पाई जाती है उसमें 11वां नंबर है पाकिस्तान का, जहाँ पे मतलब अंडर नरिश्ड लोग हैं और वो 59.8%। जितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं वो सारे के सारे यहाँ फूड इनसिक्योर हैं।
और कुछ डिस्ट्रिक्ट में 82% तक 82% तक लोग जो है फूड इनसिक्योर है। और अगर उसमें देखें कि मतलब खाना कितना खा रहे हैं तो दुनिया का जो स्टैंडर्ड है डेवलप दुनिया का वो है कुछ 3600 कैलोरीज पर डे, और जो ट्रांजिशनल है वो 3200, और जो लोग डेवलपिंग हैं वो भी कुछ 3000 कैलोरीज खा रहे हैं। हमारे यहाँ एक बंदे को रोजाना 2100 कैलोरीज मिलती हैं। सो यहाँ पे जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी की बात कर लें, अंडरनेस्ट लोगों की बात कर लें, अंडर वेट की बात कर लें, वो जो है आप कह लें यहाँ पे सबसे ज्यादा इस वक्त। यह जजियाकार लोग ना माल रोड खड़ोते होने से बच्चे कहने बेटा ये जो चेयरिंग क्रॉस है ना 33 साल के बाद क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा, इतनी आबादी बढ़ जाएगी, भूख का फ्लैश बढ़ जाएगा। कीमत साहब, ये जो करोड़ों रात को भूखे सोते हैं तो क्या वो दिन को खाते हैं? बेसिकली जी ये आप कह लें कि दिन को खाएं या रात को खाएं, ये थोड़ा खाते हैं। जो लोग डिसीजन मेकर हैं उनको इस बात का एहसास नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे नोबल जो प्रोफेशन हो सकता है या काम जो है वो है कि डिसीजन मेकर्स को या वो लोग जो इंटेलेक्चुअल इलीट है उसको ये बताना कि ये सारा कुछ टीवी पे बताया करे, बंदे बंद तो कर ले बंदा। करियर के अरूज पे एकदम आप गायब हो गई, डिसअपेयर हो गई, क्या खुद ब्रेक ली थी या जिंदगी की तरफ से ब्रेक जरूरी थी? एक नहीं, ब्रेक तो नहीं लिया था, पहले ही बहुत कम काम करती थी, साल में 1 से 2 ड्रामे हो पाते थे क्योंकि वाह वाह, आप तो पाकिस्तान की आमर खान हुई फिर। पढ़ाई चल रही थी उस वजह से, फिर उसके बाद फिर शादी हो गई, तो शादी के बाद फिर वही और ज्यादा कम हो गया काम, लेकिन फिर अब दोबारा शादी पे क्यों अफसोस कर रहे हो? हो गई होनी थी। हाँ, किसी का ब्याह हो गया ना किसी कुड़ी का, इन्होंने बहुत दुख होता। क्या पढ़ रही थी फाइजा साहिबा? मैंने पहले तो मास्टर्स कर रही थी इंग्लिश लिटरेचर में कराची यूनिवर्सिटी से, उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे उर्दू में भी करना चाहिए क्योंकि मेरा जो आबा अजदाद का ताल्लुक जो था वो उर्दू बोलने वालों में से था, तो मुझे लगा कि वो मेरे लिए आसान होगी, तो फिर मैंने उसमें दाखिला ले लिया। मगर आई रियलाइज कि वो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल था क्योंकि हम बोलते तो रहते हैं लेकिन जब बारीकी में जाएं तो जरा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल तो बस वो 2 मास्टर्स की उस दौरान ड्रामे कर लेती थी जो स्क्रिप्ट मुझे समझ आता था या पसंद आता था। चलिए फिर आज आपका एक कंपटीशन करवाते हैं, हमारे चाचा भी मास्टर्स हैं इंग्लिश में। डिफेंस एरिया टू मॉडल टाउन टू कैंट एरिया एंड सिस्टम टू बैक टू बोन राइस एंड एनी हाउ हाउ है। यू सेड आई हियर ए बी सी डी 1 2 3 4 एक्स वाई जेड जी एच वाई, ये बात मेरे सामने भी तो पड़ी। देखा वो समझ गए हैं फौरन, वो समझे हैं फौरन, उन्होंने कहा कि ये बात मेरे सामने नहीं है। So green really. आप लोगों ने मुझे लाहौर बुलाया, हाँ। तो हरा भरा शहर है, तो आपने कहा कि मैं हरी हरी, हम भी जरा जो है वो हरे भरे होकर आए। हरा भरा ऐसी की सड़क पे धनिया लाया है। यू आर हरा भरा ये मरा पड़ा। नहीं 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 के चेहरे पे जवानी की सुर्खी झलक रही है। आप मोहब्बत में आ गई हैं, प्लीज अपना चेकअप करवाएं। तो आप क्यों इतने रफीव रूसिया बन रहे हैं? नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं मेरे पीछे तो है ही कोई नहीं, किसको कह रही है? मैं तो आप ही को कह रही हूँ। ईमानदार जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, फाइजा हसन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे इसमें लाजवाब हैं हम लोग, फिर भी जेरे अताब हैं हम लोग, एक फरसूद की सिंचाई है, तलबे इंकलाब हैं हम लोग, आलमी साजिशों का है डीजे, आजकल इंतखाब हैं हम लोग, अल्लाह बचाए हाय। ये लड़की है और आप लड़के। मामा चौक चौक।